दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसा समोसा जिसमें ब्रांड का सील लगाया जाता है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के जर्सी पर यह तीन स्टार ही क्यों बने हुए होते हैं? बर्थडे केक को काटने से पहले कैंडल को फूंक कर बुझाना इतना खतरनाक क्यों? और एक ऐसा जानवर जो सर्द में बर्फ बनकर भी -58 डिग्री में भी जीवित रहता है। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट चेकर में आपका बहुत स्वागत है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, अगर आपको भी कोई कहे कि 1 लीटर का कोका कोला आपको केवल 10 सेकंड के अंदर ही पीना हो तो आप भी यही कहेंगे कि यह तो असंभव है। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन के एक शख्स ने इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहा, यानी वह 1.5 लीटर के कोका कोला को मात्र 10 सेकंड में ही पीना चाहते थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यह रिकॉर्ड तो बना ही लिया, लेकिन दुख की बात यह है कि पीने के कुछ ही समय बाद उस शख्स की मौत इस वजह से हो गई क्योंकि उसके पेट में हद से ज्यादा ही गैस बन चुका था। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग डेली फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर स्टेटस अपडेट करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग बार बार केवल अपनी फोटो ही पोस्ट करते रहते हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि वह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वास्तव में वह मानसिक रूप से बीमार होते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अगर मैं इस बात का दावा करूं कि रोड किनारे ठेले पर समोसे बेचने वाले एक नहीं बल्कि कई व्यक्ति करोड़पति हैं, तो शायद आप भी यकीन नहीं करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कानपुर में रोड किनारे पान, खस्ते, चाट और समोसे बेचने वाले 256 लोग करोड़पति तब निकले जब इनकम टैक्स और GST द्वारा इनकी जाँच की गयी। क्यों चौंक गए ना? फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, वैसे तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनने लगता है और तापमान लगभग -10 डिग्री गिरने पर झील की ऊपरी परत बर्फ जमकर सख्त हो जाती है। सोचिए उस दौरान कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही होती होगी, जहां किसी भी जीव की ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने की संभावना बेहद ही कम होती है। हैरानी की बात यह है कि आर्कटिक फॉक्स नाम का यह जानवर आर्कटिक की खून जमा देने वाली ठंड में भी, यानी -58 डिग्री सेल्सियस पर भी जिंदा रहता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि ज्यादातर पानी की बोतलें रियूजेबल नहीं होती, यानी पीने का पानी रखने के लिए इन बॉटल्स का उपयोग दोबारा करना हानिकारक होता है। साथ ही वैज्ञानिकों के अनुसार रियूजेबल प्लास्टिक की बॉटल्स में टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्लास्टिक के बॉटल्स के उपयोग को कम करने के लिए सिक्किम ने पर्यटकों के लिए बांस से बनी पानी के बॉटल्स की शुरुआत की। क्यों है ना ये नया बिजनेस? फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने कई गाड़ियों में देखा होगा कि उनके नंबर प्लेट की जगह /F लिखा हुआ होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका फुल फॉर्म अप्लाइड फॉर है, यानी अभी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई किया गया है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने अक्सर ही नोट किया होगा कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के जर्सी पर लोगों के साथ 3 स्टार्स लगे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन 3 स्टार्स के पीछे का रहस्य क्या है? दरअसल यह स्टार्स इस रिकॉर्ड का सबूत है कि अब तक भारत ने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। दोस्तों, खैर, क्या आप इस साल 2023 में भारत के जर्सी पर 4th स्टार देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर आपको भी कोई कहे कि एक ऐसा घर जो हूबहू किसी एरोप्लेन की तरह दिखता है तो शायद आप भी यकीन नहीं करेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लेबनान में एक ऐसी बिल्डिंग स्थित है जिसे पहली नजर में देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो वाकई कोई एरोप्लेन ही खड़ा हो। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ये बात तो वैसे बताने लायक नहीं कि हम सभी आंखें बंद करके ही सोते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आंखों के बंद होने का भी एक साइंटिफिक फैक्ट ये है कि जब हम अपनी आंखों को बंद किए होते हैं उस दौरान आंखों के सामने जो काला रंग दिखाई पड़ता है वह वास्तव में काला नहीं बल्कि एक बहुत ही यूनिक कलर होता है जिसका नाम माइग्रेन राव है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर आपसे भी कोई पूछे कि क्या आपने एक ही जगह से एक तरफ दिन और दूसरी तरफ रात होते देखा है तो शायद आप भी यही कहेंगे कि यार मैं कोई सैटेलाइट थोड़ी हूँ। दरअसल अंतरिक्ष से सेव की गई पृथ्वी की यह एक ऐसी तस्वीर है जिसमें एक तरफ दिन और दूसरी तरफ रात हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि बीच में जो रेड लाइन है वहाँ शाम हो रही है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, वैसे तो समोसा आपने भी जरूर खाया होगा, हो सकता है आपका फेवरेट भी हो, जिसमें समोसे का स्वाद तब और बढ़ जाता है जब उसमें चटपटा अगर कोई चटनी मिल जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट ने अपने समोसे के पहचान या यूं कहे कि ब्रांडिंग के लिए उस पर स्टैंप लगाना शुरू किया है, जो कि वाकई प्रचार के लिए एक अच्छा उपाय है। फैक्ट नंबर 1।
दोस्तों आज के जमाने में जिसका बर्थडे सेलिब्रेट पहले नहीं किया जाता था उनका बर्थडे सेलिब्रेशन अब पूरे शौक से लोग करते हैं, जिसमें अक्सर ही कैंडल को फूंक कर बुझाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह तरीका हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। दरअसल केक में कैंडल लगाने और उसे फूंक कर बुझाने से केक में तकरीबन 1500 बैक्टीरिया और बढ़ जाते हैं, जो हमें बीमार करने के लिए काफी होते हैं। दोस्तों खैर कैसा लगा फैक्ट जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे। और हाँ, फैक्ट चेकर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।